आज हम तैयारी करेंगे एमपी के ज्योतिषी की, जिसकी डेट बहुत ही नज़दीक है। 6 मई को इसका पेपर है, एग्जाम है, और संग में और भी जितने भी एग्जाम्स हैं लॉ से रिलेटेड, उसकी भी प्रिपरेशन के लिए आज हम क्वेश्चन आंसर पुटअप करेंगे, जिससे कि हमारे माइंड में रिमेम्बर रहेगा, याद हो जाएगा। क्योंकि हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होता, लेकिन जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये माइंड में रहता है कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है या ये आंसर पढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो जो है कि 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज, ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? वह दिया गया है सेक्शन 343 में, 343 में दिया गया है। 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध के बारे में बताता है, और सदोष परिरोध के लिए जो दंड दिया गया है वह दिया गया है 342 में। नेक्स्ट आते हैं कि गुप्त स्थान पे सदोष परिरोध, कि सीक्रेट जगह पे कोई सदोष परिरोध होता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होती है, किसी को रोका जाता है किसी सीमा के अंदर, तो वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? वो दिया गया है सेक्शन 346 में, 346 में। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 349, सेक्शन 349 कौन से किस चीज की बात करता है? आईपीसी का सेक्शन 349 बात करता है फोर्स, बल की, और सेक्शन 350 बताता है आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स के बारे में बताता है, और सेक्शन 351 बताता है हमला, असोल्ट के बारे में बताता है 351। नेक्स्ट आते हैं जो हमें आता है पीछा करना, किसी को पीछा करना, वह कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 354D, 364D में किसी का पीछा करना, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं कि किडनैपिंग के बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया है? वो बताया गया है 359 में। और जो किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दी गई है? वो दी गई है सेक्शन 363 में। रेप से रिलेटेड कौन से सेक्शन है? वो सेक्शन है 375, 376 और 376A से लेकर E तक रेप से रिलेटेड, सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड सेक्शन है। रेप डिफाइन किया गया है सेक्शन 375 में। प्राकृतिक विरुद्ध अपराध कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 377 में अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 378 किसे डिफाइन करता है? सेक्शन 378 आईपीसी कौन से किस बारे में बताता है? तो वो बताता है थेफ्ट, चोरी के बारे में बताता है, और पनिशमेंट है चोरी के लिए, थेफ्ट के लिए 379 में है। गृह निवास आदि में चोरी है 380 में। तो यह इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके कोई भी जो की लॉ से रिलेटेड जो एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं उद्यापन, उद्यापन कौन से सेक्शन में बताया गया है? 383 में उद्यापन के बारे में बताया गया है, और पनिशमेंट है उद्यापन के लिए वह है 384 में। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 390 किसकी बात करता है? तो सेक्शन 390 बात करता है रोबरी की, लूट की, चोरी कब लूट है, उद्यापन कब लूट है, और डकैती बताई गई है 391 में, डकैती के बारे में बताया गया है। तो पनिशमेंट क्या है लूट की, जो चोरी है उसकी पनिशमेंट क्या है लूट की, तो वो बताई गई है 392 में। नेक्स्ट आते हैं चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, जो चुराई हुई संपत्ति है उसे बेईमानी से प्राप्त करना, वो है सेक्शन 411, 411 में बताया गया है चुराई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, सेक्शन 411। नेक्स्ट आते हैं छल, छल कौन से सेक्शन में दिया गया है? चीटिंग कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 415, 415
415 में बताया गया है, 415 में बताया गया है छल के बारे में, और छल के लिए दंड है 417 में। फ्रेंड्स क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं कि रिश्ती है, मिस्चीफ है, वो कौन से सेक्शन में दी गई है, तो वो है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी रहता है कि मिस्चीफ कौन से सेक्शन में है, तो 425 में मिस्चीफ के बारे में बताया गया है। और पनिशमेंट है 426 में, पनिशमेंट 426 में पनिशमेंट है रिश्ती की, मिस्चीफ की, और ये बहुत ही क्वेश्चन कॉमनली क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट आते हैं कि रिश्ती जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है उसके लिए कितना दंड है। 50 रुपये का नुकसान वाला जो रिश्ती है उसमें 2 साल का दंड है, 2 ईयर्स का, और संग में जुर्माना है, फाइन है। नेक्स्ट आते हैं कि किसी के घर को नष्ट करना, किसी के घर को जला देना, उसको घर या दुकान को जला देना, तो या विस्फोटक पदार्थ से या अग्नि से, तो वह कौन से सेक्शन में दिया गया है। सेक्शन 436 में दिया गया है, आईपीसी के सेक्शन 436 में, गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, और पनिशमेंट है 10 साल और संग में फाइन। नेक्स्ट आते हैं आपराधिक अधिचार, क्रिमिनल ट्रेस पास कौन से सेक्शन में दिया गया है, वो दिया गया है 441 में, क्रिमिनल ट्रेस पास के बारे में बताता है, और हाउस ट्रेस पास बताता है 442 में, 442 हाउस ट्रेस पास के बारे में बताता है। रात्रि गृह वेदन, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कौन से सेक्शन में है, 446 में रात्रि गृह वेदन के बारे में बताया गया है। और जो गृह अतिचार के लिए दंड है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है, गृह अतिचार के लिए हाउस ट्रेस पास के लिए पनिशमेंट दी गई है 448 में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं हम कूट रचना, फॉर्जरी कौन से सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 463 में। आप इस तरह से अगर याद करेंगे आपको रिमेम्बर रहेगा, आप सुन भी लेंगे तो आपको रिमेम्बर रहेंगे सेक्शन, और ये अगर आपके आ जाएंगे तो आपके कारफी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर्जरी दी गई है, कूट रचना दी गई है 463 में, मिथ्या दस्तावेज रचना, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, सेक्शन 464 में, और कूट रचना के लिए दंड जो दिया गया है पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी वह है 465 में। मूल्यवान प्रतिभूति बिल आदि की कूट रचना वह दिया गया है 467 में,